पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का तीसरा ओडीआई मैच चल रहा है। न्यूजीलैंड के 92 पे 3 आउट हो चुके हुए, 19वां ओवर चल रहा है। उसामा मीर ने क्या जबरदस्त किस्म का बॉल फेंके, केन विलियमसन की किलियां उड़ाई है। लेकिन एक बहुत ही कहते हैं ना खतरनाक माजरा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची के अंदर चल रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से कराची के अंदर मैचेस हो रहे हैं। तो कराची का मीडिया जिसको कहते हैं ना बाबर आजम के बड़ा खिलाफ हुआ है, हर जिसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम से खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं। और एक जिसको कहते हैं ना अलग ही कैंपेन चल रही है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाओ, टेस्ट की कैप्टनसी सरफराज अहमद को कैप्टन बनाओ या किसी और को बनाओ। इवन कि आज तो ये भी खबर आ गई कि मिकी ऑथर जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के कोच हो सकते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि तीनों फॉर्मेट के डिफरेंट जिसको कहते हैं कैप्टन रखो, टेस्ट का सरफराज को, ओडीआई का शान मसूद को और T20 का बाबर आजम को। ये भी खबर आ रही है, लेकिन ये खबर क्यों आ रही है? बाबर आजम ने ऐसा क्या कर दिया जो बाबर आजम कैप्टनसी से हटाओ कैंपेन चला के बैठे हैं? मैं इसके जिसको कहते हैं ना प्रॉपरली अगेंस्ट हूँ। मैं चाहूंगा कि बाबर आजम से कहते हैं अगले 2 साल तक पाकिस्तान का प्रॉपर तीनों फॉर्मेट का कैप्टन रहे। मैं बाबर आजम को फुल सपोर्ट करता हूँ। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बाबर आजम जिसको कहते हैं ना एक वाहिद बंदा है। आप इल्जाम क्या लगता है बाबर आजम पे कि बाबर आजम मैच विनर नहीं है? मैं इस इल्जाम का भी जिसको कहते हैं ना आपको कुछ जिसको कहते हैं चीजें बताता हूँ बाबर आजम से रिलेटेड। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले 3 साल से सिर्फ एक ही बंदे से जानी जा रही है, वो है बाबर आजम। बाबर आजम जहां चला जाए तो बाबर आजम के बारे में बातें होती है। बाबर आजम की प्लेयर की अगर बात की जाए तो बाबर आजम का कोई जिसको कहते हैं मुकाबला है ही नहीं। बहुत जबरदस्त, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे अच्छा प्लेयर है और जो रिकॉर्ड वो बनाता जा रहा है अनबिलीवेबल है। अब बात आती है बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर। अब देखो जिसको कहते हैं ना कैप्टन का काम जिसको कहते हैं ना पूरा पूरा होता है कि टूर्नामेंट में अच्छी टीम को लेके चलना। जैसे भी पाकिस्तान ने फाइनल खेला, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और ये क्या आएगा नाम, बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान ने फाइनल खेला। जैसे भी पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल खेला, पाकिस्तान ने एशिया कप का फाइनल खेला, कैसे किसका नाम आएगा, बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने फाइनल खेला। सेमीफाइनल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का खेला किसकी कैप्टनसी में, बाबर आजम की कैप्टनसी में। मैं आपको बता रहा हूं 2019 से लेके अभी तक बाबर आजम ने 17 सेंचुरी स्कोर किए हैं तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। ये 17 सेंचुरी से अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम जिसको कहते हैं तो 10 सेंचुरीज है वो। और मजे की चीज है 17 सेंचुरीज है मोस्ट बाय एनी इंटरनेशनल प्लेयर, जो रूट का सेकंड नंबर आ रहा है इसके बाद। तो बाबर आजम लीड कर रहा है 10 सेंचुरीज जो है ना वो विनिंग कोर्स के अंदर है। बाबर आजम ने मैच विनिंग इनिंग्स खेल के 10 सेंचुरीज मारी हुई है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो बाबर आजम मैच विनर नहीं है? कैप्टन का काम होता है टीम को लड़वाना। टेस्ट के अंदर थोड़ा बाबर आजम से कहते हैं ना थोड़ी पुअर कैप्टनसी कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबर आजम से कहते हैं बुरा कैप्टन है। पहले 4 टेस्ट मैचेस बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी के अंदर जितवाए हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई कैप्टन नहीं कर पाया। इसके अलावा बाबर आजम से कहते हैं ना इल्जाम पे इल्जाम तो लगेंगे, लेकिन बाबर आजम और जिसको कहते हैं ना ग्रो करके निकलेगा। अभी भी आप देख लें बाबर आजम अगर 3-0 से व्हाइट वॉश कर दे न्यूजीलैंड को तो पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन जाएगी ओडीआई की। तो बाबर आजम के नाम ये खिताब जाएगा ना। बाबर आजम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा तो चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है ये समझ से बाहर है। कुछ लोग जिसको कहते हैं ना बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं। मैं बाबर आजम से बड़ा प्यार करता हूं, मुझे बड़ा पसंद है बाबर आजम। बात जहां तक उसकी कैप्टनसी की रही तो ओडीआई और टेस्ट और T20 के अंदर तो वो बड़ा जबरदस्त किस्म का कैप्टन है, बहुत जबरदस्त किस्म का कैप्टन है। उसने बड़ा जिसको कहते हैं मैं समझता हूं कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई है। जहां बात आती है टेस्ट की तो टेस्ट में टाइम लगेगा। टेस्ट के अंदर हमारा बाबर आजम बुरा नहीं है, हमारी टीम बहुत बुरी है। हमारे बॉलर जिसको कहते हैं विकेट नहीं ले पाते, हमारे जो बल्लेबाज हैं बाबर के अलावा कोई चलता नहीं है। सरफराज अहमद जिसको कहते हैं सीरीज के अंदर चला, उसके अलावा और कौन सा बल्लेबाज है जो चलता है? इमामुल कभी कभार चल जाता है, लेकिन हमारी जो टीम है वो टेस्ट की टीम ही जिसको कहते हैं सही नहीं है। बाबर आजम कैप्टन बुरा नहीं, कैप्टन बाबर आजम बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूंगा जो लोग बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं वो प्लीज ना चलाएं। बाबर आजम से कहते हैं पाकिस्तान का कैप्टन था, है और हमेशा रहेगा। बाबर आजम ने भी ओडीआई वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाना है, उसके अलावा बाबर आजम ने एशिया कप जितवाना है, बाबर आजम ने टेस्ट अगली टेस्ट चैंपियनशिप भी पाकिस्तान को जितवानी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि बाबर आजम पाकिस्तान को बड़ा जिसको कहते हैं ना अच्छा लेके चलेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। फिलहाल 99 रन हो चुके हुए हैं, बात करते करते 3 आउट है। मिचेल्स खेल रहे हैं और लैंथम खेल रहे हैं, थोड़ी पार्टनरशिप लगी यहाँ पे। पाकिस्तान को विकेट की जरूरत है, अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान दिखा रहा है। होप सो मिड इनिंग्स के अंदर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।